हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम हलवाई स्टाइल शादियों वाला गाजर के हलवे की रेसिपी। ये हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप एक बार मेरे तरीके से ये हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बनाकर देखिए, इतना टेस्टी हलवा बनेगा जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो चलिए फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हलवाई स्टाइल शादियों वाला गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो गाजर को अच्छे से धोकर इसके ऊपर का छिलका निकाल कर गाजर को कद्दूकस करके लिया है। तो अब हम सबसे पहले गैस ऑन करके गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और अब हम कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच भरकर देसी घी डाल देंगे और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो घी अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने यहाँ पर 20 से 25 बादाम, काजू और पिस्ता लिया है, तो इनको हम कढ़ाई में डाल देंगे। और अब ड्राई फ्रूट को हम लो फ्लेम पर हल्का सा कलर चेंज होने तक और अच्छे से क्रंची होने तक भून लेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसमें किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बस हम ड्राई फ्रूट को इस तरह से लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं, और ये अच्छे से क्रंची हो गए हैं। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट को इस तरह से भूनकर हलवे में डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब सेम कढ़ाई में जो घी बचा है इसी में हम कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे और गाजर को हम घी के साथ अच्छे से मिला देंगे। और अब हम गाजर को लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 10 से 12 मिनट घी में अच्छे से भून लेंगे ताकि गाजर पककर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो बस हम इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए घी के साथ अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से गाजर को लगातार चलाते हुए घी में अच्छे से भूनना है। इस तरह से गाजर को घी में भूनकर हलवा बनाने से हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गाजर को इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि ये कढ़ाई के तले में लगकर जले नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखें और गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम ही रखें। गाजर को घी में भूनते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गया है। तो अब हम गाजर को ढक्कन लगाकर 7 से 8 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक कि गाजर पककर थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में आप ढक्कन हटाकर इसे अच्छे से मिक्स करते रहें ताकि नीचे की जो गाजर पकी हुई है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाला गाजर है वो नीचे जाकर अच्छे से पक जाएं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और जैसे जैसे गाजर पकता जाएगा इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। गाजर को पकाते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गया है और गाजर हमारी अच्छे से पककर सॉफ्ट हो गई है। और आप देख सकते हैं कि गाजर की क्वांटिटी पहले से काफ़ी कम हो गई है। तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 2 किलो गाजर के लिए 1 किलो फुल क्रीम भैंस का दूध डाल रही हूँ। दूध डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिला देंगे। और अब हम हलवे को ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाजर सारा दूध सोख ना कर ले और दूध के साथ पककर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में आप ढक्कन हटाकर इसे अच्छे से चलाते रहें, मिक्स करते रहें। गाजर को दूध के साथ पकाते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो गया है। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से ढक्कन लगाकर हम गाजर को पकने के लिए छोड़ देंगे। गाजर को पकाते हुए मुझे 20 मिनट हो गया है। तो एक बार हम इसे अच्छे से चला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, लेकिन अभी हलवे में थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक कि गाजर सारा दूध सोख ना कर ले। गाजर को पकाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट और हो गया है और आप देख सकते हैं कि सारा दूध सूख चुका है और गाजर हमारी पककर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 2 कप चीनी डाल रही हूँ। आप यहाँ पर चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है, लेकिन इतनी चीनी इस हलवे में परफेक्ट है। साथ ही मैं इसमें फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। आप यहाँ पर इलायची को क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे ताकि चीनी के साथ पककर ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से सभी चीज़ों को मिला देंगे।
चीनी डालने के बाद में हम हलवे को 7 से 8 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि चीनी जैसे जैसे मेल्ट होगी वो अपना पानी छोड़ेगी और हलवा फिर से पतला हो जाएगा। तो हलवे को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हलवा फिर से थिक ना हो जाए। तो चीनी ने जो भी अपना पानी छोड़ा है इसे हमें सुखाना है। तो बस इसे हम इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चीनी का सारा पानी सूख चुका है। तो अब हम इसमें मावा डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम मावा डाल रही हूँ। मावा डालने के बाद में हम इसे इस तरह से अच्छे से मिला देंगे और अब हम हलवे को ढक्कन लगाकर 7 से 8 मिनट और पकाएंगे और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। मावा डालने के बाद में हम हलवे को 7 से 8 मिनट पकाएंगे और बीच बीच में आप ढक्कन हटाकर इसे अच्छे से मिक्स करते रहें। तो हलवे को पकाते हुए मुझे 8 मिनट हो गया है और ये हमारा हलवा बनकर तैयार है। हलवे से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि हलवे का कलर कितना अच्छा आया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और हलवे को हम एक बड़े बर्तन में निकाल कर इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। हलवे से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम हलवे को एकदम हलवाई स्टाइल में गार्निश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि गैस ऑन करके गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम एक छोटा चम्मच भरकर देसी घी डाल देंगे और घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और घी के गर्म होते ही हम इसमें 200 ग्राम मावा डाल देंगे और मावा को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मावा को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक ही भूनना है। तो इसे हम इस तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। मावा को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गया है। मावा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इससे घी भी अलग हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो मावा हमारा अच्छे से भून गया है। तो अब गैस बंद कर देंगे और मावे को हम हलवे के ऊपर डालकर इस तरह से अच्छे से गार्निश कर देंगे, इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। और अब हम हलवे को ऊपर से चांदी के वर्क से और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे ताकि ये दिखने में और भी सुंदर लगे। और ये लीजिए, हलवाई स्टाइल शादियों वाला गाजर का हलवा बनकर तैयार है। और आपने देखा कि इस हलवे को बनाना कितना आसान है। ये हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है और लग रहा है ना, बिल्कुल हलवाई स्टाइल शादियों वाला गाजर का हलवा। और आप इस गाजर के हलवे को इन सर्दियों में एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये हलवे की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आज की रेसिपी आपको ट्राई करने के बाद में पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।